अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल एक्सरसाइज एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सेल कंप्लीट्स मियोसिस 1 बट मियोसिस 2 फेल्स टू अकर, what type of anomalies will appear in the two daughter cell thus formed? बच्चों कह रहे हैं कि अगर एक सेल वो मियासिस वन कंप्लीट कर ले लेकिन मियासिस टू ना हो सके, ठीक है, तो कह रहे हैं जो हमें पता बच्चों, जब मियासिस वन होती है तो उससे क्या होते हैं, दो डाटर सेल हमारे पास बनते हैं, कि जब मियासिस टू होती है तो हमारे पास फोर डाटर सेल्स बन जाते हैं। तो कह रहा है अभी तक जो तुम्हारे पास मियासिस वन हुई है तो जो दो डाटा सेल्स बने हैं, कह रहा है उनमें कौन सी इनोमलीज अपियर होंगी अगर मियासिस टू ना हो। आंसर इज मियासिस वन इफ अ सेल कंप्लीट्स मियासिस वन बट मियासिस टू फेल्स टू अकर, the daughter cells will have a haploid number of chromosomes but may exhibit anomalies such as aneuploidy, lack of genetic diversity and potential issues in gamete formation. Meiosis 1 results in the separation of homologous chromosomes producing two daughter cells with half the number of chromosomes as parent cell. If meiosis 2 fails to occur after meiosis 1, the daughter cells will have a haploid number of chromosomes but will not be genetically diverse due to the absence of recombination in meiosis 2. The anomalies that may appear in the daughter cells include aneuploidy, having an abnormal number of chromosomes, lack of genetic diversity and potential issues in gamete formation due to the lack of genetic variation. Next question is, a cell is shown in this diagram. Answer following questions after observing it. कह रहे बच्चों एक डायग्राम में एक सेल शो किया हुआ है, कह रहा है इसको सेल को ऑब्जर्व करने के बाद, डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर करें। एक क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एट लीस्ट वन फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन आइडेंटिफाई इट एनिमल और प्लांट सेल। कह रहा बच्चों एक फाइंडिंग बताएं जिसकी बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। बच्चों ये एक एनिमल सेल है और हमें कैसे पता चला है, आपको ये जो येलो कलर में नजर आ रहे हैं ये बच्चों सेंट्रियोल्स हैं, और ये जो बीच में येलो कलर्स की आपको लाइंस नजर आ रही है ये क्या है, स्पिंडल अपरेटस है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स केस केस में क्या होता है कि सेंट्रियो पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, नियर न्यूक्लियस, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सेंट्रियोल है ये ऑपोजिट पोल ऑफ सेल चला जाता है और वहाँ पे जाके ये स्पिंडल अपरेटस बना लेता है जो क्रोमोसोम्स को पहले क्या करता है, अलाइन कर लेता है, जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या करता है, एना फेज में ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है और क्रोमोसोम को ये पुल करता है सेंट्रोमियर से और उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये एनिमल सेल है, जबकि जो प्लांट सेल होता है उनमें ये जो होता है हमारे पास स्पिंडल अपरेटस नहीं बनता, तो ये एक एनिमल सेल है। और ये हमें कैसे पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रियोल एंड स्पिंडल अपरेटस। पार्ट बी इज आइडेंटिफाई स्टेज ऑफ सेल डिवीजन गिवन सेल इज पासिंग थ्रू। कह रहा है ये जो हमें सेल दिया हुआ है ये कौन सी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन से पास कर रहा है, यानी हमने सेल डिवीजन की स्टेजेस पढ़ी थी ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बच्चों अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमने पढ़ा था कि जो मेटाफेज होती है उसमें क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं सेल के सेंटर में, इक्वेटर पे एक अरेंज होके
एक क्या कहते हैं मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, और जो उससे नेक्स्ट फेज होती है एना फेज, उसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम को पुल करना शुरू कर देते हैं सेंट्रोमियर से, और जो सिस्टर क्रोमेटिज है वो सेपरेट हो जाते हैं। अगर आप गौर करें तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ना ये शॉर्टन हो रहे हैं, और ये जो क्रोमोसोम है ये अपने अपोजिट अपोजिट जो सिस्टर क्रोमेटिज है अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, तो ये एना फेज है और ये एना फेज वन है ऑफ मियासिस। ठीक है, नेक्स्ट इज लिस्ट द रीजन फॉर योर आइडेंटिफिकेशन कि आपने ये स्टेज कैसे आइडेंटिफाई किया। बच्चों जो अगर आप गौर करें जो हाँ ये देखे ना ये एनाफेज माइटोसिस की भी एनाफेज तो हो सकती थी, माइटोसिस की एनाफेज में भी यही होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं। बट अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो क्रोमोजोम या सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं इसमें ये देखें एक के पास जो रेड क्रोमोसोम है और उसके पास थोड़ा सा ब्लू दूसरे क्रोमोसोम का ब्लू जो पार्ट भी है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट वाले में देखें रेड वाले के पास ब्लू पार्ट भी है, इसी तरह से ब्लू वाले के पास रेड। बच्चों इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई भी है, यानी इन्होंने क्या किया भाई कुछ अपने जो क्रोमोजोम्स है इन्होंने अपना जो होमोलोगस क्रोमोजोम से इन्होंने अपना पार्ट्स एक्सचेंज किए हुए, यानी क्रॉसिंग ओवर हुई है इनके बीच में। और क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना वो सिर्फ मियासिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती, तो ये मियासिस वन में क्रॉसिंग ओवर होती है, इसलिए ये एनाफेज वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, मियासिस टू इज आइडेंटिकल टू माइटोसिस एक्सप्लेन। ये बच्चों हमने जब ये थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर में उसमें भी पढ़ा था कि जो मियासिस की जो सेकेंड स्टेज है मियासिस टू वो माइटोसिस से सिमिलर है, एक्सप्लेन करें। क्योंकि बच्चों जो इसमें जो मियासिस टू की जो फेजेज हैं प्रोफेज टू एनाफेज टू मेटाफेज टू एंटीलोफेज टू ये सिमिलर टू माइटोसिस है, जो प्रोसेसेस उसमें होते हैं ये सिमिलरली इसमें होते हैं। ठीक है, आंसर इज मियासिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस इन सम एस्पेक्ट्स सच एज डिवीजन ऑफ सेल एंड द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, बट दे डिफर इन प्लॉयडी ऑफ डॉटर सेल्स एंड ओवरऑल पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। मियासिस टू इज सेकेंड स्टेज ऑफ मियासिस विच इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स स्पर्म एंड एग सेल्स इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस ऑन द अदर हैंड इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसिस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। मियासिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस इन सम एस्पेक्ट्स, बोथ प्रोसेसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेल्स, बोथ प्रोसेसिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, बोथ प्रोसेसिस इंक्लूड सिमिलर स्टेजेस सच एज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंटीलोफेज। हाउएवर देयर आर की डिफरेंसेस बिटवीन मियासिस टू एंड माइटोसिस। मियासिस टू अकर्स इन सेल्स दैट हैव ऑलरेडी अंडरगोन मियासिस वन, रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड डॉटर सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। मियासिस टू इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, व्हाइल माइटोसिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। इन जनरल मियासिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ सम प्रोसेसेस एंड स्टेजेस, बट डिफर्स इन ओवरऑल आउटकम एंड पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। सो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।